अभी मैंने सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। सुबह सुबह का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो जैसे कि अभी मैंने आप बात कही है कि सुबह सुबह मैं उठी हूँ, मैं जो है छत पे चली गई थी। मैंने कहा मैं आपको इस टाइम जो है व्यू दिखाऊं कि आज सुबह सुबह जो है मेरे जो अम्मी का इलाका है, मेरी अम्मी की जगह है, वो कितने मज़े की है। और बहुत खुशी हुई है जब सुबह सुबह देखे मेरा मूड ही अच्छा हो गया है। छत पे गई हूँ तो कुछ लोग जो थे वे उठ गए थे, वो अपने अपने कामों में बिजी थे, और कुछ जो है वो सो रहे थे। तो मैं जो थी वो जल्दी उठ गई थी। तो अभी जो हूँ मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो अम्मी ने मेरी ज़िम्मेदारी मुझ पर ये डाल दी है कि बेटा आज सुबह आपने नाश्ता बनाना है। तो मैंने भी खुशी खुशी ये ज़िम्मेदारी ले ली, क्यों नहीं, अम्मी घर में भी बनाती हूँ तो यहाँ भी बना दूँगी, कोई मसला नहीं है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ पराठे। रात को वो गोश्त वाले क्या कहते हैं बारबेक्यू खा के, और वो बिरयानी खा के, पुलाव खा के तो बुरा हाल हो गया। तो मैंने कहा अभी सिंपल सा नाश्ता करते हैं, पराठे लेते हैं, साथ में चाय लेते हैं। और मैंने तो ब्रेड खाई थी भाई, इसलिए कि रात को थोड़ा सा आपने रात को इतना ना हैवी खा ले तो सुबह फिर बंदा हल्का फुल्का खा ले तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सुबह सुबह ब्रेड लिए अपने लिए, बाकी जिन जिन लोगों ने खाने थे पराठे उनके लिए मैंने बना दिए पराठे, और जिन्होंने खाने थे ब्रेड तो उनके लिए मैंने बना दी ब्रेड। तो अभी जो हूँ मैं तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं, तो इस टाइम मैं जो हूँ नाश्ता बना रही हूँ। जो ही हम जो हैं वो नाश्ते से फ्री होंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम भाभी की तरफ जाएं। तो जब हम भाभी की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी साथ लेके जाएंगे, आपको बताएंगे वहाँ की जगह कितनी प्यारी है, वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप भी हमारे साथ होंगे, आपको भी इंजॉय करवाएंगे। तो ये देखिए अभी मेरे पराठे बन रहे हैं तकरीबन, क्योंकि मेरी अम्मी की तरफ जो है वो फैमिली छोटी सी है, तो इसलिए आराम से जो है मैं थकी भी नहीं थी, पराठे भी आराम से बन गए थे। तो अभी देखें जी मैं पराठे रेडी कर रही हूँ। और आज जो मौसम था वो सुबह का काफ़ी गर्म था, ईद से तकरीबन 1-2 दिन पहले तो मौसम बहुत ही अच्छा था। ईद के दिन भी काफ़ी अच्छा था, बारिश हुई थी, लेकिन ईद के 3rd डे जो था वो मौसम बहुत ख़राब हो गया और गर्मी भी शदीद शदीद हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी बुरा हाल था हम लोगों का। हम लोगों ने पहले प्लान किया था कि हम जाएंगे थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, लेकिन फिर क्या आया है कि जब गर्मी को देखा तो सारा प्लान कैंसिल कर दिया कि बच्चे भी छोटे हैं, और फिर बाहर जाना, फिर वापस आना, और फिर आपको पता है जब 1-2 घंटे के लिए बाहर जाएंगे तो फिर 3-4 दिन के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये प्लान ख़त्म कर दिया। हमने कहा कि चलें जी जहाँ पे नज़दीक की कोई जगह है, एरिया है, तो हम वहाँ पे घुमाते हैं, बच्चों को भी घुमा के ले आते हैं, लेकिन दूर की जो जगह है वहाँ पे हम इस दफ़ा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं करते। हाँ मौसम अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर जाएंगे। अभी मेरी चाय जो है वो रेडी हो रही है तकरीबन, बल्कि होने वाली क्या हो चुकी है। तो अभी हम नाश्ता करेंगे, हमने नाश्ता कर लिया। तो अभी मैं बच्चों को कपड़े पहनाने वाली थी तो देखा तो मेरे बच्चों की तो शलवारें ही सारी ख़राब हो गई थी। तो पहले मैंने कहा अपने बच्चों के शलवारों को सही कर दूं, उनको सिलाई कर दूं, उसके बाद पहनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है रेडीमेड कपड़े जो होते हैं उनको ज़्यादा देर तक बंदा पहना नहीं सकता, बस एक दफ़ा उन्होंने यूज़ कर लिया तो दूसरी दफ़ा फिर आपने सिलाई करके दोबारा उसको पहनाने होते हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, ये नहीं है बहुत परफेक्ट सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन यह है कि कम से कम मुझे अपने बच्चों की शलवारें लेके दूसरों के घर नहीं जाना पड़ता। इतना मैं कर लेती हूँ कि कोई छोटे बहुत मोटा जो भी डंगा वगैरह निकला हुआ हो तो उसको मैं जो सिलाई अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। आप बताइएगा आप जो हैं कौन कौन सी मेरी बहनें जो हैं वो आराम से अपने कपड़े जो हैं वो सिलाई कर लेती हैं, कौन मेरी तरह जो हैं वो सिर्फ गुजारा कर लेती हैं। तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। और जिन जिन बहनों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं छोटी मोटी जो भी बातें आपसे शेयर करूँ तो आप तक मेरी वीडियो पहुँच सके। सोचना नहीं है, बस सब्सक्राइब कर देना है जल्दी से, ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगती है। इंशाल्लाह ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी तरफ बना के शेयर करती रहूँगी, और आपने मुझे लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और आप बताइए, अब मैं आपको भारी देती हूँ, आप बताइए आपका टाइम कैसा गुजरा, आपने 1st डे कहाँ गुजारा, 2nd डे कहाँ गुजारा। तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि इंशाल्लाह तकरीबन 4 के बाद हम इंशाल्लाह अपनी भाभी की तरफ जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है बस रेडी होने वाले हैं, बच्चों को मैं आहिस्ता आहिस्ता कपड़े ये सिलाई हो जाएं शलवारें तो उनको फिर बात दिलवाती हूँ, उसके बाद फिर उनको रेडी करती हूँ। तो रियान जो था वो कह रहा था मामा मैंने तो अभी खेलना है, मुझे खेलने दे थोड़े टाइम के लिए, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैंने बात लूँगा, बात लेने के बाद फिर हम चले जाएँगे जहाँ आप कहेंगी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, तब तक आप जो है खेल लो,
उसके बाद जो है मैं आपको बादल वा दूँगी। तो रूहान जो है वो रूहान भी रयान के साथ ही लगा हुआ था और मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी उस टाइम, क्योंकि जब दोनों बच्चे खेल रहे हों तो माएँ काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं और आराम से अपना काम कर लेती हैं, जब बच्चे साथ हों तो फिर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हो। आपका क्या ख्याल है? तो अभी रयान थोड़ा सा खेलने लगा है। अच्छा रयान, बड़ी महंगी कार आई थी और अभी मैं नानो का घर हूँ, वो बकर भी नानो का घर गया हुआ है। अभी वो जब तक अब बकर अपनी नानो के घर है तब तक मैं ये चला रहा हूँ। तो बाद में एक और रेड कार है मेरी, वो भी चलाऊंगा कल, मैं आज ही चलाऊंगा शाम को, फिर आपको शाम को मिलूंगा। अच्छा, तो रयान को शौक हुआ था कि मामा मेरी भी वीडियो बनाए, मैंने जो है वो वीडियो में लाजमी आना है। मैंने कहा शोर बेटा क्यों नहीं, आप भी आया करो, तो इंशाल्लाह आपको मैं हर वीडियो में लेके आया करूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं भाभी की तरफ, तो रास्ते में बहुत मज़े की जगह थी यहाँ पे और दिल बहुत कर रहा था कि मैं आपको भी साथ लेके चलूँ यहाँ पे। और बहुत अच्छा मौसम था क्योंकि शाम का टाइम था, तकरीबन सूरज जो था वो गुरूब होने के करीब था। तो अभी ये देखें पानी बहुत मज़े का है, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा था, मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है, और था भी बहुत साफ सा। तो मेरा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पानी में चलूँ, लेकिन यह है कि टाइम बहुत कम था और बार बार हमें कॉल्स आ रही थी कि जल्दी पहुँचें। तो अभी जो है हम चाय पीने वाले हैं, तो आएँ आप भी हमारे साथ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एहतमाम किया हुआ था हमारे लिए और बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके, अच्छा लगा। और जो है फिर हम लोग वापस आ गए, वापस आए तो बच्चों ने जो है मोबाइल ले लिए। आपके बच्चों की भी नेचर है कि वो मोबाइल ले लेते हैं या हमारे बच्चों की है, ये कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आए आपके बच्चे भी मोबाइल को ऐसे ही अपने अपने माओं के मोबाइल लेके बच्चे जो हैं बिजी हो जाते हैं, या इधर हमारी ही तरफ ही रवाज है। और फातिमा जो है वो रूहान के मोबाइल देख रही है, हालाँकि उसके पास अपना मोबाइल था, लेकिन बच्चों के होते हैं ना कि वो दूसरों की चीज़ें देख के खुश होने लग जाते हैं। तो ये अब्दुल्ला है माशाल्लाह से, अभी इसको आज बुखार था तो थोड़ी इसकी मुंह खुला हुआ था, रो रहा था ये। तो कैसा लगा आज का आपको मेरी वीडियो?